राष्ट्रपति भवन के एक पुराने गैराज को हाईटेक म्यूजियम में बदल दिया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसमें राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कई यादगार चीजें भी देखने को मिलेंगी और डिटेल्स के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। रायसीना हिल्स पर बुलंद खड़ी इस इमारत की खासियतों में एक और नगीना जुड़ गया है। 87 साल पुराने राष्ट्रपति भवन में हाईटेक म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति भवन में म्यूजियम बनाया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर हो रहे इस आयोजन के साथ ही राष्ट्रपति भवन में दर्शनीय स्थलों की संख्या बढ़ गई है। ये ऐसा म्यूजियम है जहां इतिहास, कला, कल्पना शक्ति और टेक्नोलॉजी, ये चारों का मिलन है और इसलिए जो भी इससे जुड़ेगा वो इन चारों के माध्यम से इतिहास को जी सकता है। दरअसल ये म्यूजियम इसलिए भी खास है क्योंकि इस जगह पर पहले एक गैराज हुआ करता था, मगर अब इसका लुक बिल्कुल बदल गया है। इसमें अस्तबल संग्रहालय, गैरेज संग्रहालय और क्लॉक टावर शामिल है। यहाँ आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ चलते हुए महसूस कर पाएंगे। राष्ट्रपति भवन में तैयार इस म्यूजियम में सबसे ज्यादा खास बात यहाँ राष्ट्रपिता के साथ चलने का आपको अनुभव मिलेगा। इस खास कमरे में आने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ चल रहे हैं। करीब 1,20,000 वर्ग मीटर में फैले राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक विरासत इस खास म्यूजियम में दिखेगी। इसे बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1.5 साल में ये म्यूजियम बन पाया है। यहाँ आप कई ऐसी अद्भुत चीजें देख पाएंगे जो राष्ट्रपति को दूसरे देशों से मिली हैं, या फिर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हैं। और तो और, राष्ट्रपति की बग्घी से लेकर मर्सिडीज तक यहाँ दिखेंगी। म्यूजियम के पहले फेज का विकास राष्ट्रपति भवन के पुराने अस्तबल में किया गया था, जहाँ घोड़ों के साथ साथ कोच भी रहते थे। संग्रहालय के पहले फेज का शुभारंभ 25 जुलाई 2014 को हुआ, जबकि क्लॉक टावर का उद्घाटन 25 जुलाई 2015 को हुआ था। राष्ट्रपति भवन देश के प्रथम नागरिक के निवास के अलावा अपनी तमाम खासियतों के लिए मशहूर है। अपनी बेहतरीन वास्तुकला की वजह से हमेशा ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, तो वहीं यहां मुगल गार्डन को देखने के लिए भी खूब भीड़ उमड़ती है। ऐसे में नए म्यूजियम के खुलने से राष्ट्रपति भवन की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन में बना म्यूजियम 2 अक्टूबर से खोला जाएगा और इस ये जो म्यूजियम है वो हफ्ते में 6 दिन खुला रहेगा। टिकट की जो शुरुआती कीमत है वो 50 रुपए रखी गई है और आम जनता म्यूजियम में गेट संख्या 30 से एंटर कर पाएंगे। म्यूजियम में पर्यटकों के लिए रिसेप्शन के साथ साथ कैफेटेरिया और साथ ही शॉपिंग के लिए दुकानें भी होंगी। आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ तस्वीर भी खिंचा पाएंगे और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की वीणा भी देख पाएंगे। तो ये सब होगा आपके लिए खास राष्ट्रपति भवन के इस म्यूजियम में।